अरे बाप रे, अरे ओहो, थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ दिन बाद मैं फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, मेरा मतलब अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था ये कैमरा में कर रहा था, तो कैमरे से मतलब लैपटॉप में डाल के ही मोबाइल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है एडिटिंग के लिए, और या तो लैपटॉप में एडिटिंग करना पड़ता है। तो मेरा लैपटॉप ख़राब होने के वजह से मैं डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, इसीलिए लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई लोग, अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, मेरी क्लास के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं आज दूसरे रास्ते से जाता हूँ, बोले तो अंदर से। मैं नेशनल हाईवे अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को जाना है गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास। मेरे को कुछ मेडल ट्रॉफी लेना है क्योंकि एक्टिविटीज़ कराना है मेरे को मेरे एकेडमी में, इसलिए मैं मेडल और ट्रॉफी लेने जा रहा हूँ। तो भाई लोग, मेरा आज एक्सीडेंट हो जाता है एक बालेनो से, लाइक एक्सीडेंट ही बोल सकते हो। एक रेड लाइट आता है तो वहाँ पे वो भाई बालेनो वाले भाई साहब मतलब स्पीड में चलते हैं और तुरंत ब्रेक मारते हैं। पहले वो स्पीड में जाकर एक ब्रेक मारता है, ब्रेक मारने के बाद फिर से वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करने के बाद तुरंत ब्रेक मार देते हैं। तो मेरा नसीब अच्छा था, मैं क्योंकि वो लाल बाटी था इसलिए मैं स्पीड नहीं चलाया था, जो मेरा 26 किलोमीटर पर आवर था। तो मैंने मतलब वो जब ब्रेक मारता है तो मैं तुरंत ही मतलब लेफ्ट साइड ले लेता हूँ क्योंकि स्पीड कम था मेरा। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा होता तो मैं उसको उसके पीछे में मतलब टक्कर मार देता, तो नसीब अच्छा था, भगवान का कृपा है, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बाइक को भी कुछ नहीं हुआ ही बोल सकते आप लोग भी आप लोग। तो चलिए भाई लोग, आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा, आप लोग रास्ते का मज़े लीजिए। गुड़गांव जाने वाला रास्ता ये आपका मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये सावला कैंप के नज़दीक से जाने वाला रास्ता है ये। यहाँ पे मतलब थोड़ा ग्रीनी है, मेरे राइट साइड में ड्रेन है, बड़ा सा ड्रेन। तो चलिए भाई लोग, आप लोग को दिखाते हैं आगे चल के, आप लोग देखिए वीडियो को, थोड़ा मज़े कीजिए।
नीचे से, क्योंकि मेरा डिस्टिनेशन इधर है, साहिला डिस्टिनेशन। इसके बाद जाऊंगा मैं अकेडमी। तो बच गया यार, बज रहा मतलब नहीं, कितना गजब बेइज्जती है। नहीं है तो पानी को मत बैठ जा। हैं? जल्दी में। हां जल्दी में, अभी क्लास का टाइम हो गया ना। मेरे को 1600 देना है ना। और 1600 कार्ड हो गया, कार्ड दे दीजिए। हैं? कार्ड सर, कार्ड। हेलमेट बढ़िया ले रखा है। हां क्या करें, इधर चालान भी कटता है यार, हेलमेट के लिए भी। हेलमेट के लिए? हां 1600 से 3000 रुपये। हां 3000 और 30 है। अच्छा चलो, मालिक नहीं मानते हैं ना। हाँ हाँ, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, बस मैं 1600 में ध्यान दिया। और सर कैसे है? चलिए चलते हैं, मेरा सामान तो हो गया। तो यहाँ पे छोटा सा जिम बना रखा है, इसके नीचे अरे भैया जी रस्सी निकल गया, रस्सी। इधर उधर करके निकलना पड़ेगा भाई लोग, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। भैया का बैग बहुत भारी है तो हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। राजीव चौक पहुंच गया भाई, गुड़गांव का। हेलो, गुड़गांव का राजीव चौक है। तो दोस्तों मैं मतलब मेरा एक्सीडेंट इधर ही होने वाला था, मतलब एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, बच गया। यही गाड़ी है आगे जाके, अभी ग्रीन चल रहा है इसलिए सब चल रहा है, आगे जा रहा है। तो ये भैया अभी स्पीड में मतलब लाइक 30-32 स्पीड में चल रहा है, अभी ब्रेक हल्का सा मारता है और छोड़ के तुरंत और दोबारा मारती, देखो ब्रेक एक्सेलरेट करने के बाद उसने और दोबारा ब्रेक मारा। उसने पहले ब्रेक मारा भाई लोग, ब्रेक मारने के बाद दोबारा एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद फिर से उसने तुरंत मतलब
तुरंत गाड़ी रुक दिया। तो मेरा स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर था, तो अगर मैं सीधा लेता तो उसके मतलब पीछे में ठक्कर मारता। तो मैंने मतलब हल्का सा लेफ्ट ले ली ताकि उसको गाड़ी को कुछ ना हो करके, तो मैं गिर गया क्योंकि मेरे बाइक में एंटी ब्रेक सिस्टम नहीं है, ABS नहीं है मेरे बाइक में। तो मेरे को एक भाई वो लाल बत्ती में मतलब रेड लाइट में जो किताबी बेचता है वो आके मेरे को उठा देते हैं, हेल्प करते हैं उठाने में। तो उसी वक्त में गाड़ी से जो भैया है ड्राइवर वो निकल के आएगा, अभी निकल के आके बोल रहे हैं, निकल के आके पूछ रहे हैं मतलब देख रहे हैं, वो बोल रहे थे मेरे से तो नहीं हुआ आपका, तो वो बोल रहे थे मेरे से तो नहीं हुआ करके। वो मेरे को मतलब मेरा मतलब मेरे को पूछने आया वो, मतलब लाइक यू नो ह्यूमिनिटी, वो अपना गलती भी मान रहे हैं थोड़ा बहुत। तो वो जो सा वो मतलब उसका ही गलती है नो डाउट, तो वो देखने आया है मतलब मेरे को लगी तो नहीं है करके। तो वो चाहने लगता है तो एक भाई ये बोलते हैं आपने तुरंत ब्रेक मार दिया ना इसलिए ये वो गिर गया करके। तो वो भैया बोलते हैं सॉरी सॉरी बोल के चला जाता है। तो मैंने मतलब उनको बोला चलो कोई नहीं इट्स ओके, होता है कभी कभार, हाँ कभी कभार होता है मेरे को भी पता है, लेकिन क्या करें मेरे को इधर मतलब इधर लगी है थोड़ा सा हैंडल, इसमें मेरे पैर में थोड़ा सा हैंडल लग गई। तो भाई लोग यही है, मैं आज मतलब स्पीड कम होने के वजह से बच गया, और ये दो भाई है उन्होंने मतलब मेरे को हेल्प किया है। तो बोल रहे थे भाई लोग आप लोग आप तो कहीं लगे नहीं है मतलब पूछे हैं, तो अच्छा लगा मुझे ये भाई लोग का वो देख के। तो मैं अपना बाइक चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत चलता चलेगा कि नहीं करके, मैं अभी मतलब इंजन ऑन करके देखता हूँ क्योंकि मेरा फ्यूल फार्म खराब है, ऑल्टर अभी फ्यूल फार्म खराब है, तो इसलिए मैंने चेक किया क्या पता मेरा ऑयल पास नहीं हो चालू होता है हो रहा है कि नहीं करके। तो भाई लोग यही था बस, ठीक है कुछ नहीं हुआ भगवान के कृपा से और आप लोग की कृपा से। तो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।